हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सबस्टार चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान पांच किड्स रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके साथ साथ ये काफ़ी हेल्दी भी हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं इसमें। तो आप ये लंच बॉक्स रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए अब हम देखते हैं वो पाँच ईजी लंच बॉक्स रेसिपीज़ कौन सी है। वेजिटेबल रवा पे बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी और अब इसमें मैं ऐड करूँगी एक कप रवा, हाफ कप दही, ये बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, ताज़ा दही है ये। इसके बाद एक बार हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मैं ऐड करेंगे नमक, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़े बारीक कटे हुए कच्चे आलू है। वेजिटेबल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे अपने टेस्ट के अनुसार आप और भी इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं या बच्चों को जो भी वेजिटेबल पसंद हो वो इसमें आप डाल सकते हैं। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग आधे गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसे एक लीड कवर करके लगभग 15 मिनट के लिए इसे इसी तरह से रखे रहने देंगे और अब 15 मिनट बाद हम हमारे बैटर को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसे इसमें डालकर इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बेकिंग सोडा सबसे लास्ट में ही डलेगा, ये बात का आप ध्यान रखें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक अप्पा मेकर आता है इस तरह का, इसका यूज़ किया है और अब मैं इसे गैस पर रखूँगी। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और अब इसके बाद सारे ही इसके इन स्टैंड्स में थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करके लगभग इसे आधे मिनट के लिए गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ राई के दाने लिए हुए हैं। ये राई के दाने हम सभी इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चटक जाए। और अब इसके बाद हम एक स्पून की हेल्प से इन सभी स्टैंड्स में एक एक स्पून ये बैटर डाल देंगे और अब इसके बाद इस तरह की एक प्लेट जिससे ये पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाए, इसे इस तरह से कवर करके लगभग 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद इसे हम टर्न करेंगे और अब लगभग 2 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूले हैं हमारे अप्पे और अब हम इसे टर्न कर देंगे। तो इस तरह की एक नाइफ ले लें और बहुत ही ईजीली ये टर्न हो जाते हैं और अब इसे हम वापस से लीड कवर कर देंगे। हम इसकी फ्लेम हम स्लो रखेंगे और अब इसे 2 मिनट के लिए साइड से भी पका लेंगे और अब 2 मिनट बाद हम इसे भी चेक कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से सिक चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे गैस का फ्लेम ऑफ करके। बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये। तो ये देखिए हमारे वेजिटेबल अप्पे बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद लंच बॉक्स में से हम पैक करेंगे और अब ठंडा हो जाने के बाद हम इसे लंच बॉक्स में अरेंज कर देंगे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, आप इसे एक बार लंच में रखिए, बच्चे आपसे बार बार कहेंगे कि आप यही बनाएं उनके लिए। और अब इसे आप मायोनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाला लंच बनकर बिल्कुल तैयार है। आलू पूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं 1 कप आटा ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी जिसे इस तरह से हथेली पे लेकर इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल मोयन के लिए
और अब एक बार इसे स्पून के हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इन सभी चीज़ों को। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक इस तरह की किसनी ले ली है और यहाँ बॉईल किए हुए दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं। और अब हम इस किसनी के हेल्प से इसमें आलू पीस लेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार मैश कर लेंगे। और अब आलू और आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आटा हमें कट्ठा गूंदना है इसलिए बहुत सारा पानी एक साथ ना डालें। ये देखिए इस तरह से मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और अब इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट के लिए रखे रहने देंगे। आटे को हल्का सा हम इस तरह से एक बार और मैश कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने डीप फ्राई करने के लिए ऑयल रखा है और अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और तब तक पूड़ी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और अब इसमें ये हमारी बनाई हुई आलू पूरियाँ हम डालेंगे और जितनी पूरियाँ आसानी से इसमें आ सकती है उतनी ही एक बार में डालें। और अब ये जो पूरी तल गई है इसे हम एक किचन टॉयल में निकाल लेंगे और पूरियों को 2 से 3 मिनट ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे लंच बॉक्स में पैक करेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही आसान और हेल्दी और टेस्टी लंच बॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार है बहुत ही कम समय में। वेजिटेबल कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड पटेटो और अब हम इसे मैश करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और एक इस तरह की किसनी ले ली है जिससे हम उबले हुए आलू को इस तरह से किस लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 कप जो हमारे नॉर्मल पोहे आते हैं उसे मैंने करीबन 10 मिनट पहले पानी से नॉर्मली जैसा हम भिगोते हैं वैसा भिगो कर रखा था ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और अब ये पोहे हम इन पटेटो में मिक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ मैंने थोड़ी बारीक कटी हुई गाजर ली है, थोड़ी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ी प्याज, थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर बच्चों को पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा थोड़ी काली मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, नमक स्वाद के अनुसार। सभी चीज़ों को डाल लेने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे हम, ये नॉर्मली पटेटो के साथ मिक्स होकर इस तरह का डो रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऑयल डाला है डीप फ्राइंग के लिए और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम अपने कटलेट बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रवा लिया हुआ है, लगभग 1/2 कप के करीब रवा है ये। और अब हम कटलेट्स बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो हमने डो तैयार करके रखा है इसे थोड़ा सा लगभग आटे की लोई जब हम रोटी बनाते हैं उतना बड़ा लेंगे। इस तरह से राउंड करने के बाद इसे हम हल्का सा इस तरह से बेल लेंगे हाथों पर ही ताकि इसका शेप इस तरह से लंबा हो जाए, ये देखिए इस तरह से। और अब इसके बाद ये जो हमारा रवा है इसमें हम इसे अच्छी तरह से लपेट सकते हैं और अब इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से हमारे बाकी के कटलेट्स भी हम बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने अभी इतने कटलेट्स बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे और अब हम इसमें हमारे रेडी किए हुए कटलेट्स ऐड करेंगे। और अब ये देखिए अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाने के बाद इसे हम एक किचन टॉयल पे निकाल लेंगे, इसे पहले 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसे लंच बॉक्स में पैक करेंगे। और अब हमारे कटलेट्स ठंडे हो चुके हैं, इसे हम बच्चों के लंच बॉक्स में रखेंगे। अब
ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लंच बॉक्स रेसिपी है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो आप इसे सॉस या फिर मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये लंच बॉक्स रेसिपी घर पर ज़रूर बनाएं। चीज़ सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 2 बॉइल्ड आलू और अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार सॉल्ट, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चाट मसाला 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें इसमें। और अब इसे एक स्पून की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे, फ्लेम मीडियम करके इसे गर्म होने देंगे। और तब तक हम हमारे ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसे हम रेडी कर लेंगे सैंडविच बनाकर। यहाँ सबसे पहले हम एक स्लाइस लेंगे ब्रेड का और इस पे टमेटो सॉस लगा देंगे। इस तरह से स्प्रेड कर देने के बाद ये जो हमारा आलू का मसाला है इसे भर देंगे। और अब ये पोटैटोज अप्लाई कर देने के बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट ये मैंने चीज़ लिए हैं यहाँ पर, और इसे हम हमारे इस ब्रेड पर रख देंगे। और इसके बाद इस पर थोड़े से पोटैटोज और अप्लाई कर देंगे और इसके बाद ब्रेड का एक और स्लाइस इस तरह से रख कर हल्का सा पुश कर देंगे। और अब इसके बाद हमारा तवा गर्म हो चुका है, इस पर हम थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे, आप इसकी जगह बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब इसके बाद ये जो हमने सैंडविच रेडी किया है ये हम इस पर रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद एक बार इसे चेक करेंगे। और अब 3 से 4 मिनट बाद हम एक बार इसे चेक कर लेंगे, ये बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है इस तरफ से भी। और अब हम इस पर थोड़ा सा घी और अप्लाई कर देंगे और इसे फिर से हम एक बार 3 से 4 मिनट के तक पकने देंगे। और अब 3 से 4 मिनट बाद इसे हम इस तरफ से भी एक बार चेक कर लेंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सेक गया है ये। और अब इसे हम पहले ठंडा होने के लिए एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब पहले इसे एक पिज़्ज़ा कटर या नाइफ की हेल्प से हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ये। और अब हम इसको लंच बॉक्स में अरेंज कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही इजी चीज़ सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। मसाला पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है, इसमें अब हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और अब इससे पानी डालकर गूंथ लेंगे। इस तरह से आटा गूंथ लेने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए यूं ही रखे रहने देंगे। और अब 5 मिनट बाद हम हमारा तवा गर्म होने रखेंगे और अब इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो इसके लिए लाल मिर्च, ये अपने टेस्ट के अनुसार या बच्चों के टेस्ट के अनुसार ही डालें आप, धनिया पाउडर, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है चाट मसाला, इसके बाद लास्ट में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया इस पर हम स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून के करीब देसी घी लिया है, इसे सभी तरफ अच्छे से ऐड कर देंगे। घी ऐड कर लेने के बाद इसे हल्का सा स्प्रेड कर दीजिए सभी तरफ, पहले इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, इसके बाद फिर एक बार हम हल्का सा मसाला इस पर ऐड कर देंगे और इसे अब हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमारा तवा भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब हम इस पर ये हमारा बिला हुआ पराठा इस पर हम ऐड कर देंगे, फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे एक साइड से सिकने देंगे। इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी रेडी कर लूँगी। बॉक्स ले लिया है, इसमें हम
इस तरह से फोल्ड करके ये पराठे रख देंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पराठे, आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये हमारी एक बहुत ही इजी लंच बॉक्स रेसिपी बनकर तैयार है।